बाबा का बुलडोजर कहाँ गया है? 24 घंटे के अंदर चलने लग रहा है। कौन सांसद है आजमगढ़ से? दिनेश लाल यादव और निरहुआ। 2 बजे रात को साहब सीटी स्कैन किया जाता है, किसका आर्डर आता है? एक तरीके से नहीं होगा तो बता दीजिए कि शहीद आजम भगत सिंह के भी हम लोग बच्चे। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य कासमा वद्दीती से हूँ। यहाँ ये कभी घटना घटी थी होली के दिन जी, फिर आज रात को सुनने को मिला है कि फिर घटना घटी है और उसमें डीएम एसपी से लेकर एसडीएम साहब तक एडिशनल एसपी साहब आए थे, तो क्या मामला था इसमें, क्या हुआ? इसमें मामला है कि हम सभी युवा साथी जो जिम्मेदार पर्सन हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र नेता से लेकर और जिला पंचायत इस क्षेत्र के समीप मनीष राव सीनू हैं, जितेंद्र धनराज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं और इस क्षेत्र के जिम्मेदार पर्सन लोग पूरे ज़िले के कोने कोने से युवा साथी जेपी राव बिल्सन हैं, परवंश जी हैं, बहुत सब साथी हैं हमारे साथ आए हैं। हम लोगों को डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लोगों से वार्ता हो चुकी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मामले में जो होली का मामला था, होली के दिन जो वारदात हुई है, सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि होली के दिन तो जो हुआ हुआ, लेकिन ये जो निहाय शरीफ व्यक्ति जो एक प्राइवेट टीचर के रूप में कार्य करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण का कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ आपराधिक व्यक्तित्व के लोगों ने उनके साथ जो वारदात किया है बहुत ही निंदनीय है। और डीएम साहब से और एसपी साहब से भी हम सभी साथियों ने मांग की है कि इस मामला को उचित कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि भविष्य में ऐसा दोबारा कोई घटना न हो सके। और डीएम साहब भी इस बात को कही हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय की गवर्नमेंट चल रही है, जो सरकार चल रही है, तानाशाही व्यवस्था की सरकार चल रही है, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार होते हुए बाबा साहब के संविधान के दायरे और हम लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी उम्मीद के साथ साथ हम लोग चाहते हैं इस परिवार को न्याय हो, इस क्षेत्र को न्याय हो, इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं। और अभी हम सब शांति व्यवस्था से हैं, अपने समाज दलित पिछड़े हम मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, इस मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग एक एक पल को लगा देंगे, अगर उचित कार्रवाई ना हुई तो अभी तो हम लोग शांति से हैं, शायद क्रांति भी करना पड़े तो इसके लिए हम लोग रोड पर आ सकते हैं। इसमें कोई सर पूरे जिले के अधिकारी आपके यहाँ आए, इस गांव में आए जी, और सारे लोग देखा जाए तो बड़े ही अधिकारी थे, जिले के छोटे कोई नहीं थे जी, तो आपको उनसे आने का संतुष्टि नहीं मिला? एकदम संतुष्टि मिला है, कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक संतुष्टि नहीं हो सकती है सर। आप मीडिया के बंधुओं लोग से मैं निवेदन करना, आप चौथे स्तंभ हैं इस भारत लोकतंत्र की व्यवस्था को चलाने वाले, तो आपसे बड़ी उम्मीद है और प्रशासन से भी उम्मीद है, लेकिन जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक उम्मीद किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में आप कितनी कहानी बताएं, आप लोगों ने तो देखा है, आप लोगों ने चलाने का भी कार्य किया है। प्रेजेंट टाइम की बात, होली की बात, दूसरा ये वारदात हुआ है, सबसे बड़ी सोचने की विषय ये है, अगर नहीं होता तो कहा जा सकता है, लेकिन दोबारा ऐसा घटना हुई है इसलिए संदेह पूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अभी जैसे एडिशनल एसपी सोनीनाथ ने कहा जी कि आपने जितने लोगों को तहरीर के द्वारा दिया गया था उनके नाम से FIR कर दिया गया जी, और सारी चार्जशीट जब भेजी जाएगी तो कोर्ट के हिसाब से उनको गिरफ्तारी की जाएगी जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी मैं उसको स्वागत करता हूँ, जो कानून के तरह जो भी उचित कार्रवाई है उसको मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी मांग ये भी करता हूं कि इस क्षेत्र को शांति व्यवस्था बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से कम उन पर कार्रवाई हो कि कोई आगे चलकर भविष्य में ऐसा कार्य न हो सके, इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए, यहाँ आम जनमानस के उचित व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन एवं जिले प्रशासन से लेकर प्रदेश प्रशासन से लेकर इस पर उचित कार्रवाई की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं देखने को अभी मिला है कि आपके टणवा टप्पा गांव में कुछ दिन के लिए फोर्स लगा दी गई जी, और यहां तक आपको आश्वासन दिया गया है कि ऐसी वारदात दोबारा नहीं होगी जी। आश्वासन तो डीएम साहिबा जी प्लस एसपी साहब भी जी कहे हैं, ये हम लोग भी संतुष्ट हैं, लेकिन कार्रवाई, मैं पुनः उस बात को रिपीट करूंगा, कार्रवाई जब तक नहीं होती है संतुष्ट कोई नहीं हो सकता है सर, इसमें आप भी जानते हैं। मांगे हैं कि किसी भी समाज की बात हो, दबे कुचले किसी सर्व समाज की बात हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो हम उसकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं और आवाज़ उठाएंगे। आपकी मांग है कि किसी तरह से जांच कर जो अपराधी है उसे सजा होनी चाहिए जी,
वही मेरी मांग है, अगर एक कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होती है तो मैं जिले के सदन में अपनी आवाज़ को, इस क्षेत्र की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे हम। मैं सीनू भाई हैं, जो भी जिला पंचायत हमारे साथी हैं, इसको सदन में हम लोग उठाने का काम करेंगे। और हो सकता है एक दो दिन के अंदर में हम लोग DM साहब से, SP साहब से इस बात को लेकर हम फिर आगे की कार्रवाई करने के लिए हम लोग सभी प्रतिबद्ध होंगे, जो भी हमारे सदस्य हैं। मैं जितेंद्र कुमार धंडा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सर, जैसे मैं आज यहाँ पे काफ़ी बड़े अधिकारी आए हुए थे और कल रात में कोई घटना उतना हुई थी, यहाँ किसी को मारा गया था, फिर होली के दिन भी कोई लफड़ा हुआ था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये बहुत निंदनीय घटना है जो सौहार्द बनाने का यह बात करते हैं, और ये आप जान रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से जंगल राज कायम है, और ये आप भी जानते हैं कि होली के दिन घटना घटता है, उसके बाद दो दिन बाद फिर घटना घटता है। तो ये आप तार्किक तौर पे यह प्रशासन से हम सवाल पूछते हैं और योगी और मोदी की सरकार से सवाल करते हैं कि दो दिन घटना के बाद उसी लड़के पर अटैक क्यों होता है जो लड़का इस मुद्दे को उठाता है? ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कोई राजनीति के आड़ में रोटी सेकता हो। नहीं नहीं, इसको हम खारिज करते हैं, कोई करता है, लेकिन 90% दिखाई दे रहा है, को लड़का बोल रहा है तो उसको खत्म कर दो, कि जब इसको खत्म कर देंगे तो फिर दूसरा प्रजा ना बोल पाए। तो हमारा इस सरकार से सख्त से सख्त मांग है कि उचित कार्रवाई करके जेल भेजे, और जो लोग कह रहे हैं कि चिन्हित नहीं किया गया, तो ये प्रशासन का काम, यहाँ LI के लोग रह रहे हैं, CBI आपका है, क्या कर रहे हैं? बाबा का बुलडोजर कहाँ गया है? 24 घंटे के अंदर चलने लग रहा है भैया। ये महकमा गाजीपुर थोड़ी नहीं पूरा, ये पूरा उत्तर प्रदेश के आप पाला ऑफिसरों को लगाइए। कहीं ना कहीं आपके कहने के हिसाब से यह समझ में आ रहा है कि बाबा का बुलडोजर चिन्हित करके चल रहा है। बिल्कुल चिन्हित करके चल रहा है। ये सरकार दलितों का, मजलूमों का, आदिवासियों का नहीं है, ये सरकार सिर्फ चंद धन्ना सेठों लोगों का, ये सरकार, इसमें कोई गुरेज नहीं है साहब। ये सरकार चिन्हित करके, ये आप भी जाने इसके पीछे जो हाथ है किसका है, कौन सांसद है आजमगढ़ से? दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। मैं कहा कि आपके पीछे है कोई, नहीं, फिर उन्होंने कहा SP साहब और DM साहब कि हम बंधे, हमको पता है कि आप बंधे हुए हैं। दिनेश लाल यादव का फोन आया हुआ है जो चमचा करके नरेंद्र मोदी से कहता है, किसका आर्डर है कि 2 बजे रात को साहब CT स्कैन किया जाता है, किसका आर्डर आता है? कभी आपने देखा कि सरकारी अस्पताल में 2 बजे रात को किसका आर्डर आ रहा है? ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, उनके गुंडे माफिया जो संरक्षक, जिनके भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। हम बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और अगर संवैधानिक तरीके से नहीं होगा तो बता दीजिए कि शहीद आजम भगत सिंह के भी हम लोग बच्चे हैं, अगर वह भी क्रांति की बुगुल फूकना पड़ेगा, नीली क्रांति का, तो फूका जाएगा और लहू का एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि इस समाज में जो हमारे तमाम बड़े भाई हैं कायर नहीं है, लड़ने वाले हैं, बशर्ते हमारा भी हाथ बंधा हुआ है कि हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं साहब। क्या आप साफ जाहिर करते हैं कि दिनेश लाल निरहुआ का इसमें हाथ है? बिल्कुल साहब, आप समझिए कि माना कि मैं सांसद रहूँगा, हमारे घर का, बच्चे का, किसी का होगा, तो आप पर भी नहीं करेंगे थोड़ा सा? ये बिल्कुल, ये लोकतंत्र की धज्जिया उड़ा के रख दी भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे प्राइवेटी करके सब लूटा जा रहा है, तो ये सीधा सीधा है जब उनके घर का मामला है भैया। और आप देखें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जातिवाद चल रहा है इस उत्तर प्रदेश में, इसको आप किसी भी सिरे से खारिज नहीं कर सकते। जब से यह घटना घटी है, क्या दिनेश लाल निरहुआ यहाँ आए? वो क्यों आएंगे, जब उनका फोन से भी, उनकी सरकार एक केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक उनका फोन ही एक काफ़ी है साहब, उन्हीं के फोन के इशारे से जिलाधिकारी यहाँ दौड़ के आए कि कहीं उनके लोगों को गिरफ्तारी ना हो, कह रहे कि फरार है, तो ये है वो है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा साहब, क्योंकि उनको पता हो गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस दिनेश लाल निरहुआ और ये जो मैटर है पूरा चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है, खराब ना हो जाए, जाके समझाइए कि लोग घर में चले जाइए साहब। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें सोनी हो जाएगी तो संसद दवारा हो जाएगा, और हम लोग चुप हो जाएंगे तो गाजीपुर की शासन हुए नरेंद्र मोदी और योगी सब आवारा हो जाएंगे। ये चंद लोगों को चिन्हित है साहब, हम आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द आरोपियों की सरकार गिरफ्तारी करे, अन्यथा जब सब्र का बांध टूटेगा तो कुछ भी कर गुजरने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि हक
मांगना और न्याय मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाईवे प्रशासन के लोगों से क्या बातचीत की है? देखिए, वो तो प्रशासन के लोग कहीं बंधे हुए हैं, तो आला है, उनका मकसद है कि समझा के किसी तरह जनता को हटा दे। हम सपोर्ट करते हैं, इसीलिए तो शांतिपूर्वक हैं। लेकिन साहब, गिरफ्तारी नहीं हुई, आप चिन्हित नहीं कर पाए। गाजीपुर में ही तो जो मार के गए गाजीपुर में ही होंगे ना, कि साहब तो फिर क्या चले गए कि पाकिस्तान चले गए। आला पीसर क्या कर रहे हैं साहब? ये सवाल है ये सरकार, ये सत्ता से, ये हुकूमत से डरा के धमका के नहीं रख सकते। बाबा साहब कहे थे कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मौत पसंद है, लेकिन ऐसे अपने समाज में डेली अपने आए दिन भाई बंधु पीटे जाए, ये देखा नहीं जाएगा और इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा।